देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक कर बैठा, दुबक। अब करे तो करे क्या, बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा आता। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ जाना। आओ भैया, आओ आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब। भटिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फोन लगाए कुबेरेश्वर धाम पर कि हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबेरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगी। शिव महापुराण तो जहाँ बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगी। शिव महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो आप बाबा कृपा करेगा, ना 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 ना। यहाँ देखो, बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगें, ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ बैठो। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में लग जाओ, तुम जहां बैठे हो। अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे, और जितने वो कुर्सियों पर बैठे हैं ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बार तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो, तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि बॉल कहां जा रही है। जितने स्टेडियम के अंदर हैं, जितने इस ग्राउंड के अंदर हैं, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उचकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन का फल है। ये शिव की भक्ति है, ये शंकर की उदार। क्या दिया, ऐसे दिया, कैसे प्रदान कराए उस पर निर्भर करता। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है, छह नहीं, एक एक ही ओवर में चलती है, छह नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही छह बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है, एक, वही छह बार चलती है। वो तो गिनाई में छह आती है, उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता दी। उसने तो एक ही दिया, पर काउंटिंग ज्यादा हो गई, गिनने में ज्यादा है। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि तुम्हें आगे बैठे कि पीछे बैठे, दरवाजे पे आकर चिल्लाना भी मती कि मेरे को तो यहीं बैठना है, ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तू मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाऊं, अब भी ले बात कर ले। कितने रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से ही तुमने कह दिया, अब भी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तू मुझे अंदर नहीं जान दे रही है ना, अब भी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना, वैसे ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही दुख आता है ना, वैसे ही फोन लगा देती है, एक लोटा जा, रुआब दिखाती है, क्या करेगा। और मेरो क्या तो करेगो।